जय जगन्नाथ। केमिस्ट्री जर्नल के रिलेटेड हम लोग देखेंगे, सीरीज चल रहा है पार्ट 7, साइट्स को 2.7 से लेके 3.1 तक। इसमें मुझे पांच जर्नल फ्री वाला मिला, उसके बारे में बातचीत करेंगे। पहले फ्री जर्नल को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या जर्नल अवेलेबल है, उसके बाद हर एक जर्नल के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला जो जर्नल है हम लोग डिस्कस करेंगे, केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग क्वार्टरली। उसके बाद सेकेंड नंबर वाला जो जर्नल हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है एनवायरमेंटल साइंस एटमोस्फियर्स। तीन नंबर में है ग्रीन एनालिटिकल केमिस्ट्री, और चार नंबर है केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मल एनालिसिस, और पांच नंबर में हम लोग देखेंगे पीरियोडिका पॉलिटेक्निका केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये पांच जर्नल को हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे। तो चलिए पहले जर्नल के बारे में बातचीत करते हैं। जर्नल का नाम क्या है, केमिकल एंड बायो केमिकल इंजीनियरिंग क्वार्टरली। साइट स्कोर देख सकते हो 2030 के हिसाब से 2.7 है, अभी भी देखोगे तो 2.4, 2024 में अगर देखोगे 2.4 है। अगर इस वीडियो को अभी देखो, मैं अक्टूबर महीना 2024 में ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा है स्कोपस कवरेज क्या है, 1996 टू 2024। अगर कोई 2025 में या 2026 में कोई इस वीडियो को देख रहा है तो आप क्या करोगे, सिंपली देखो आईएसएन नंबर को यहाँ पे कॉपी कर लो, और कॉपी करके आप स्कोपस में जाके सर्च कर दो। आपको पता है स्कोपस में किस तरह का सर्च करना है, बेसिक जो सर्च उसको कैसे करना है, उसको जाके सर्च करोगे। अगर वहां पे 2025 लिखा होगा या 2026 लिखा होगा, बस आप जिस टाइम में देख रहे हो, शायद आज से 10 साल के बाद कोई देख रहा है इस वीडियो को, ठीक है, तो उसी हिसाब से आप जाके सर्च कर सकते हो। अगर यहाँ पे स्कोपस कवरेज उस ईयर के हिसाब से आ रहा है तो आप वहां पे रिसर्च वर्क सबमिशन करो, तो उसमें कुछ टेंशन नहीं है सबमिशन का। और ये जर्नल का बेनिफिट क्या है, अगर आप देखोगे तो उसका सब्जेक्ट एरिया मैं पहले बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है भाई जनरल केमिस्ट्री के रिलेटेड, यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अपना रिसर्च को आप सबमिशन कर सकते हो। उसके अलावा प्रोसेस केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अगर आपका रिसर्च वर्क है तो जरूर यहाँ पे सबमिशन कर सकते हैं। और भी आप देख सकते हो कि बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिशन होता है। और ये पर्टिकुलर जर्नल सिर्फ स्कोपस में नहीं है, ये वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो दो बेनिफिट आपको मिलेगा, जब अगर यहाँ पे अगर आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो जाता है तो दो बेनिफिट आपको मिलेगा। तो देखो वेब ऑफ साइंस में जाने के लिए इसको आईएसएन नंबर को आप कॉपी कर सकते हो, और वेब ऑफ साइंस का प्लेटफॉर्म में जाके आपको सर्च करना है। अगर सर्च करोगे देखो इस तरह का आ जाता है, केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग क्वार्टरली। ये पेज को कैसे लैंड करना है उसके बारे में मैं, अगर कोई अगर सीरियसली मेरा वीडियो को देख रहा है तो केमिस्ट्री जर्नल का पार्ट 1 में मैंने डिटेल में बताया था। ये पेज का बेनिफिट क्या है, अगर इस पेज को अगर आप आ सकते हो सर्च करके, एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन, मतलब कितना टाइम लगता है उसके बारे में डिटेल में दे देता है कि यहाँ पे देखो 48 वीक्स, लगभग 10 महीना का टाइम लगेगा अगर यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते करते हो तो। और देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग के बारे में बहुत बता दिया कि भाई ये SCIE है, ठीक है। आपको पता है कि वेब ऑफ साइंस में SCIE होता है, SCIE होता है, ESCIE होता है, इस तरह का इंडेक्सिंग लगता है। तो यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है कि साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपांडेड, आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग आपको मिल जाएगा। और बेनिफिट क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक दिया है, अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो उसका वेबसाइट को डायरेक्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। और बहुत डिटेल में दिया है कि देखो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में सबमिशन कर सकते हो, इशू पर ईयर 4 इशू यहाँ पे हर साल निकलता है। तो देखो मैं दिखा देता हूँ कैसे कि मतलब इस पेज में आप जा सकते हो। आपको सिंपल क्या करना है कि वेब ऑफ साइंस सर्च करना है। क्या सर्च करना है, वेब ऑफ साइंस सर्च करना है। वेब ऑफ साइंस का सर्च में चले जाइए, ठीक है, जहाँ पे सर्च लिखा होगा रिफाइन योर सर्च रिजल्ट, यहाँ पे इसको क्लिक करके उसको आप उसके वेबसाइट के अंदर आप चले जाइए। चले जाने के बाद यहाँ पे आपका आईएसएन नंबर, आप मैंने अभी कॉपी किया था उसको, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे सर्च लगा दूंगा। तो देखो आ गया वही वाला, यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पेज दिया है। व्यू प्रोफाइल पेज में अगर आप क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट को आप मतलब रिडायरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि भाई कितना टाइम लगेगा, और वेबसाइट का जर्नल का वेबसाइट क्या है, उस वेबसाइट का लिंक क्या है, तो आपको फ्रॉड वाला चक्कर में घुसना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो फ्रॉड वाला जर्नल होता है उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये देखो वेबसाइट यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे अबाउट पेज में चले जाइए, और अबाउट पेज में जाने के बाद यहाँ पे अबाउट पेज में आ गए हम लोग। अबाउट पेज में अगर देखोगे तो
तो यहाँ पे लिखा होगा कि भाई पैसा वैसा कुछ चार्जेस नहीं लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है, बहुत छोटा छोटा मतलब लेटर में लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। क्लियरली मेंशन किया है कि जर्नल डज नॉट चार्ज नाइदर आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज नॉर आर्टिकल सबमिशन चार्ज। मतलब पैसा यहाँ पे आपको देना नहीं पड़ेगा अपना रिसर्च और पब्लिकेशन करना करने के लिए। देखो अच्छा खासा लेते हैं, अगर आप मतलब एलसीवियर में अगर देखोगे साइंस डायरेक्ट वेबसाइट में, वहां पे अच्छा खासा 1,000 2,000 डॉलर भी लेते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो तो फ्री में पब्लिश करने के लिए ट्राई करो, ये अच्छा रहता है, ठीक है। और जेन्युइन काम भी उसको माना जाता है। हर एलसीवियर का और साइंस डायरेक्ट का पैसा नहीं लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आज का जो वीडियो में दो एलसीवियर का पेपर रखा हूँ केमिस्ट्री के रिलेटेड, और दो पेपर नहीं दो जर्नल रखा हूँ केमिस्ट्री के रिलेटेड, तो उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन वहां पे थोड़ा सा कंडीशन है, उस कंडीशन के बारे में बातचीत करेंगे जब उस जर्नल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पर्टिकुलर ये जर्नल अगर देखोगे केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग क्वार्टरली, जिसका ISIN नंबर आप नोट डाउन कर सकते हो 0352-9568, इसको नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि ISIN नंबर के बिना हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये नंबर को रख सकते हो सेव करके। तो ये पर्टिकुलर अगर देखोगे 2.4 साइट स्कोर है, SCIE वाला इंडेक्सिंग आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पैसा बिना पैसा दे के भी आप अपना रिसर्च वर्क को आप पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जर्नल के बारे में बातचीत करते हैं। जर्नल का नाम है एनवायरमेंटल साइंस एटमोस्फियर, ठीक है। साइट स्कोर देख सकते हो 2023 में ये था 2.9, अभी देखो 4.3 हो चुका है 2024 के हिसाब से। सेम चीज जब भी आप स्कोपस कवरेज देख रहे हो आज के टाइम में, अगर आज मैं वीडियो पब्लिश किया अगर कोई देख रहा है तो उसके लिए तो टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी 2024 महीना 2024 साल चल रहा है, ठीक है। लेकिन आगे जाके 2025-26 में कोई अगर देख रहा है तो ISIN नंबर को जाके आप जरूर चेक करना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट एरिया में केमिस्ट्री की मिसलिनियस है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, पॉल्यूशन के रिलेटेड अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे आप सबमिशन कर सकते हो। और ये जर्नल भी क्या है, आपका स्कोपस में है और आपका वेब ऑफ साइंस में है। तो वेब ऑफ साइंस में जाने के लिए क्या कर सकते हो, ISIN नंबर को कॉपी कर सकते हो और वेब ऑफ साइंस में इस पेज में आप आ सकते हो। अभी दिखाया कैसे इस पेज को आप आ जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेबसाइट का जर्नल का वेबसाइट का लिंक दे दिया, इसको क्लिक करके उसका वेबसाइट के अंदर आप जा सकते हो। और यहाँ पे देखो लिख दिया है कि भाई सबमिशन टू पब्लिकेशन जो एवरेज नंबर ऑफ वीक्स है 15 वीक्स है, लगभग 3 से 3.5 महीना आपको लगेगा अपना रिसर्च वर्क यहाँ पे पब्लिश करने के लिए। और यहाँ पे इंडेक्सिंग में अगर देखोगे ESCI आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग मिल जाएगा। और इशू साल में देख सकते हो 12 इशू निकल रहा है, अच्छा खासा इशू यहाँ पे निकल रहा है। तो हर एक महीने यहाँ पे रिसर्च एक एक मतलब इशू निकलता है उन लोगों का। तो अच्छा खासा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि सबमिशन कर सकते हो। टाइम भी देखो ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं ले रहा है कि सबमिशन से पब्लिकेशन के लिए, 15 वीक मतलब ज्यादा टाइम नहीं है। पहला वाला जो दिखाया था 10 महीने का दिखाया था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि 3 महीना 3.5 महीना के अंदर आपका पब्लिश होने का चांसेस है। और यहाँ पे आपको ये से इंडेक्सिंग मिलता है, ठीक है। तो अभी जर्नल को वेबसाइट के अंदर जा सकते हो और वहां पे आप चेकआउट कर सकते हो कि जर्नल फ्री है कि नहीं। आज जितना मैं मतलब 5 वाला जर्नल लिस्ट करके रखा हूँ उसका क्या है, सब फ्री है, ठीक है, सब जर्नल फ्री है। तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, 1 मिनट, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा ओपन एक्सेस पब्लिशिंग को ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर जर्नल का अगर आप देखना चाहते हो कि कहाँ पे फ्री में लिखा हुआ है कि यहाँ पे फ्री में आप पेपर पब्लिश कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली बोला है कि दिस इज ऑल्सो मीन्स दैट यू कैन पब्लिश इन केमिकल साइंस फॉर फ्री। तो फ्री में यहाँ पे आप पब्लिश कर सकते हो, ये डायमंड ओपन एक्सेस में अभी है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि सबमिशन कर सकते हो, ठीक है, अपना रिसर्च वर्क को यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो। तो हम लोग चलते हैं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे एनवायरमेंटल साइंस एटमोस्फियर का मैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिखा दिया, 1 मिनट में थोड़ा सा गलती किया हूँ। ये केमिकल साइंस का जर्नल का बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये पर्टिकुलर जर्नल फ्री है, लेकिन ये पर्टिकुलर जर्नल स्कोपस में है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, ठीक है, उसको लिए आपको चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर लिखा हुआ है, मतलब ये वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग है। देखो वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग है, तो आपको इसके अंदर जाने के बाद एक तो पता चला कि केमिकल साइंस एक जर्नल है जो कि आपका फ्री में है, ठीक है, इसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है।
इस तरह का होता है, जब आप जर्नल ढूंढते हो तो उसके अंदर और भी जर्नल मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वेब ऑफ साइंस में और एक बार हम लोग चलते हैं, एनवायरमेंटल साइंस के रिलेटेड, एनवायरमेंटल साइंस एटमोस्फियर एटमोस्फियर जर्नल का, इसमें अगर हम लोग देखेंगे कितना टाइम लगता है, तो वो उस टाइम नहीं, कितना पैसा चार्जेस करता है उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे लिखा है, ठीक है। केमिकल साइंस वाला वो वाला फ्री है, ठीक है। ज्वाइनिंग रिसर्च ट्रांसपेरेंट रिव्यू प्रोसेस, तो यही चीज होता है कि जब भी आप मतलब पैसा कितना चार्ज करता है उसके बारे में ढूंढोगे, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपको पूरा डिटेल जो जर्नल है ना उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये गोल्ड ओपन एक्सेस जर्नल पब्लिशिंग है। गोल्ड ओपन एक्सेस में मुझे जितना पता है कि वहां पे पैसा चार्जेस होता है, शायद ये वाला पैसा चार्जेस होगा, लेकिन कितना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि डिटेल में वो पूरा जर्नल को जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्या क्या लिखा है। तो ये मेरे से गलती हुआ है, लेकिन ये केमिकल साइंस वाला, यहाँ पे और एक बेनिफिट हुआ कि केमिकल साइंस का एक तो जर्नल है, तो उसके रिलेटेड रीड दिस जर्नल, यहाँ पे आप क्लिक करके आप पढ़ सकते हो कि इसका एम एंड स्कोप क्या है, और यहाँ पे किस तरह का रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होता है पब्लिकेशन के लिए। ठीक है, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो, खुद जाके चेकआउट कर सकते हो, इसको नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर जर्नल को अभी नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर जर्नल में, ठीक है। 3 नंबर जर्नल एल्सेवियर का है, अभी का टाइम में ये फ्री चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो स्कोपस का कवरेज 2022 से लेके 2024 तक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिशन होता है, ये सारे नंबर आप नोट डाउन कर सकते हो। अभी का टाइम में अगर देखोगे 5.1 साइट स्कोर है, अच्छा खासा साइट स्कोर इसका जर्नल में है, ठीक है। इसका गूगल सर्च कर सकते हो, गूगल सर्च अगर करोगे इस तरह का साइंस डायरेक्ट का लिंक आ जाता है, इसको आप क्लिक करके उसका वेबसाइट के अंदर आप जा सकते हो। जाने के बाद यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आज का टाइम में अभी फ्री है, फ्री यहाँ पे देखो स्टार मार्क दिया, इसका मतलब है कि अगर आप रिसर्च और कोई मेरा वीडियो अभी देख रहा है केमिस्ट्री के रिलेटेड, तो 31 दिसंबर 2024 के अंदर अगर आप रिसर्च सबमिशन करते हो, अपना रिसर्च वर्क को सबमिशन करते हो, तो अभी फ्री है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 4 दिन के अंदर आपको पहला डिसीजन दे देंगे कि आपका पेपर रिसर्च में रिसर्च रिव्यू प्रोसेस में जाएगा कि नहीं, 4 दिन में आपको बता देगा। और जो रिव्यू टाइम है 26 डेज है, तो लगभग देखो कि 1 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि मतलब आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होगा कि नहीं, ठीक है। रिव्यू के बाद आपको पता चल जाएगा, जो रिव्यूअर है वो आपको डिसीजन दे देंगे। तो आज का टाइम में अभी फ्री है, ठीक है, 31 दिसंबर 2024 में अभी फ्री है। आगे जाके इसका क्या होगा वो पता नहीं, वो उस टाइम में, जिस टाइम में अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो उस टाइम में आपको पता चलेगा कि कितना पैसा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फी बोल दिया है कि $1460 है, देख सकते हो एलसीबीआर में कितना पैसा चार्जेस करते हैं, $1460, तो लगभग अगर देखोगे 1 लाख, 1 लाख क्या उससे ज्यादा होगा, 1,20,000 इस तरह का ओम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट जर्नल के बारे में, यहाँ पे देख सकते हो अभी का टाइम में ग्रीन एनालिटिकल केमिस्ट्री फ्री है, ये सारे नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क आप सबमिशन कर सकते हो। नेक्स्ट है केमिकल थर्मोडाइनमिक्स एंड थर्मल एनालिसिस, इस जर्नल का नाम है, एल्सेवियर का है, और ये साइन नंबर दिया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। फिजिकल एंड थ्योरेटिकल केमिस्ट्री के रिलेटेड यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। साइट स्कोर अगर देखोगे तो 3.1 था 2023 में, अभी 4.7 2024 में, सेम चीज यहाँ पे स्कोपस का कवरेज 2024 तक है, मतलब आज का टाइम के हिसाब से परफेक्टली बैठ रहा है, ठीक है। आप जिस टाइम में देख रहे हो वहां पे जाके ये साइन नंबर को जरूर चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको आप सेम चीज, इसको आप जाके गूगल में जाके सर्च करोगे, सर्च करने के बाद यहाँ पे आ जाता है केमिकल थर्मोडायनामिक्स थर्मल एनालिसिस का, इसका लिंक को आप क्लिक करके आप उसका वेबसाइट के अंदर जा सकते हो। यहाँ पे भी सेम चीज देख सकते हो, कंडीशन क्या दिया है, 31 दिसंबर तक यहाँ पे फ्री है, 31 दिसंबर 2024 तक अभी फ्री है, अगर यहाँ पे उसके अंदर आप सबमिशन कर रहे हो तो पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम देख सकते हो कि 2 दिन के अंदर आपको डिसीजन दे देंगे कि भाई आपका रिसर्च पेपर रिव्यू में जाएगा कि नहीं, उसके बाद क्या होगा कि अगर जाता है तो 32 डेज, लगभग 1 महीने का टाइम लगेगा रिव्यू टाइम के लिए, उसके बाद आपको बता देंगे कि आपका पेपर एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है या रिविजन में जाएगा।
तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना केमिस्ट्री का रिलेटेड रिसर्च पेपर सबमिशन करने के लिए। तो पर्टिकुलर जर्नल भी अभी भी मतलब फ्री है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि सबमिशन कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट वाला आज का वीडियो का, पीरियोडिक का, पॉलिटेक्निक का, केमिकल इंजीनियरिंग जर्नल का नाम है। यहाँ पे देख सकते हो कि 1968 से 2024 तक तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है और स्कोपस इंडेक्स है। साइट स्कोर देख सकते हो कि 3.1 है 2023 के हिसाब से, 2.5 2024 के हिसाब से, और ये जर्नल स्कोपस में है और आपका वेब ऑफ साइंस, दो दो इंडेक्सिंग यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल केमिस्ट्री के रिलेटेड, जनरल एनवायरमेंटल साइंस, जनरल मटेरियल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। आईएसएन नंबर को आप कॉपी करो क्योंकि ये आपका वेब ऑफ साइंस वाला प्लेटफॉर्म में इंडेक्सिंग है। तो यहाँ पे देख सकते हो पीरियोडिका, पॉलिटेक्निका, केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। विजिट साइट का ऑप्शन दे, इसको अगर क्लिक करते हो तो उसको वेबसाइट को फॉरवर्ड कर देगा और ये जनरल फ्री है, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ सबमिशन टू पब्लिकेशन 15 वीक बोला है, 3 से 3.5 महीना यहाँ पे लगेगा। लैंग्वेज देखो इंग्लिश है और यहाँ पे देख सकते हो कि SCIE वाला इंडेक्सिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर यहाँ पे आप रिसर्च पेपर सबमिशन करते हो तो, और आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो। तो इसको आप जर्नल साइट जो दिया है उसको विजिट साइट में अगर जाते हो, देखो फ्रॉड वाला जर्नल में हम लोग को नहीं जाना है, तो वेब ऑफ साइंस के थ्रू से अगर आप जाते हो तो चांसेस ऑफ जर्नल क्या होता है कि फ्रॉड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन कर दिया कि दिस इज ए डायमंड ओपन एक्सेस जर्नल, पब्लिशिंग एंड डाउनलोडिंग आर्टिकल आर बोथ फ्री ऑफ चार्ज, मतलब यहाँ पे पब्लिश करना फ्री है, ठीक है। तो इसमें आप पब्लिश कर सकते हो। तो ये अगर ये जर्नल को आप सिलेक्ट कर रहे हो, पीरियोडिका, पॉलिटेक्निका, केमिकल इंजीनियरिंग, तो आपका स्कोपस का इंडेक्सिंग मिल जाएगा, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपांडेड वाला इंडेक्सिंग आपको मिल जाएगा और ये कंप्लीटली फ्री है। तो यहाँ पे आप रिसर्च वर्क जरूर सबमिशन कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट आपके लिए केमिस्ट्री जर्नी के लिए, केमिस्ट्री रिसर्च पब्लिकेशन के लिए, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।